नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 25% आबादी गरीब है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां लगभग आधी आबादी गरीब है। आज हम बात करेंगे देश की 10 सबसे गरीब राज्यों के बारे में। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और यहां की 51% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। देश के दूसरे सबसे गरीब राज्य के बारे में जानने से पहले आप गरीबी रेखा को समझिए। आखिर गरीबी रेखा किसे कहते हैं? गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसे ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं वे व्यक्ति जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान। इन लोगों के पास नहीं होता है। गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब देश की दूसरे नंबर पर आने वाली गरीब राज्य की बात करें तो झारखंड है। झारखंड राज्य की 41% से अधिक आबादी गरीब है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आबादी वाले इस राज्य में 37.79% लोग गरीब हैं। चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 36.37% लोग गरीब हैं। 32.67% गरीबों के साथ मेघालय 5वें स्थान पे है। असम भी मेघालय के साथ खड़ा है। असम में 32% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और असम गरीबी रेखा के मामले में 6ठे स्थान पे है। 29.91% के साथ खनिज संपदा से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य 7वें नंबर पर है। राजस्थान में 29% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा के मामले में राजस्थान 8वें नंबर पर है। अब देश की 9वीं सबसे गरीब राज्य की बात करें तो उड़ीसा का नंबर आता है। यहाँ 29.35% लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड इस सूची में 10वें स्थान पे है। यहाँ की 25.23% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इन राज्यों के गरीब होने की वजह। आगे हम देश की सबसे अमीर राज्यों की सूची भी लाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। अमेजिंग न्यूज, इंटरटेनमेंट, करेंट अफेयर और नॉलेज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।